मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया चुनावी साल में बेरोजगारों से किए गए अपने वादों को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री राज्य की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 1,29,000 भर्तियों के कैलेंडर को मंजूरी दी गई। पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अप्रैल में इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे और जुलाई तक सभी परीक्षाएं भी करा ली जाएंगी। प्रदेश में जुलाई तक 1,29,000 नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी, जिनमें आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए 1,08,000 भर्तियों के अलावा 21,000 भर्तियां सफाई कर्मियों की भी की जाएंगी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब राजस्थान सरकार हर वर्ग को खुश करने में लगी है। ऐसे में सरकार ने राजस्थान के बेरोजगारों युवाओं को खुश करने के लिए बजट 2018 में कई घोषणाएं भी की। अब सरकार इन घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा कर युवाओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जहां 1,29,000 भर्तियों के कैलेंडर को मंजूरी दी गई, वहीं सभी परीक्षाओं को जुलाई तक पूरा करवाने की बात भी कही गई। ऐसे में जुलाई माह में सबसे ज्यादा 64,000 भर्तियों की बात सामने आई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में और भी कई अहम फैसले हुए, जिनमें भूतपूर्व सैनिकों की राज्य सेवा में 5% आरक्षण, किसानों वर्ग को अगस्त तक 2,00,000 कृषि कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव, NID के लिए दहमी कला में 12,062 वर्ग गज निशुल्क जमीन, बायोमास प्लांट लगाने की 2 साल की समय सीमा को बढ़ाकर 3 साल करना, BSF कर्मियों के लिए ग्रुप हाउसिंग के लिए दहमी कला में 12,000 वर्ग गज भूमि, राजस्थान माइन एंड जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे 166 वर्ग चार्ज कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियमित वेतन श्रृंखला दिया जाना आदि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जारी राज्य सरकार के और जो जो एजेंसी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मंत्रालय आयोग सहित विभिन्न विश्वविद्यालय सब जारी करेंगे और ये पूरी भर्तियां जुलाई के तीसरे सप्ताह तक समाप्त होगी। 1,08,000 भर्ती करेगी और अप्रैल माह के थर्ड सप्ताह तक सारी विज्ञप्तियां विभिन्न भर्ती करने वाली एजेंसी जारी करेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मंत्रालय आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय और इसमें 21,000 भर्तियां होंगी। वो अलग से हैं जो सफाई कर्मियों की स्थानीय निकाय द्वारा भर्ती किए जाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था।